तुम लोगों के पास आते हैं तो अपनी सारी बातों को कहना चाहते हैं, समय नहीं मिलता, फिर कभी आवेंगे, हम कहेंगे, अंततः यही कहेंगे, लाख दुनिया का चकाचौंध देख लो, लेकिन बेटे बेटियों कम से कम अपना संस्कार हिंदुस्तान का है उसको मत भूलो। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि आज जो दुर्व्यसन आया है शराब पीने का और ये सब चीज़ का, उससे दूर भागने का प्रयास करो तो निश्चित है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहू सुरक्षित होगी। और जब दोनों समाज के लोग आगे बढ़ोगे तो हिंदुस्तान और बिहार को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम तुम लोग जब यहाँ कह रहे हैं कि इतना बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक नया संस्कार के साथ आगे बढ़ोगे और बिहार के नवनिर्माण में निश्चित रूप में तुम मदद करोगे। और हम बिहार सरकार का मुखिया होने के नाते कह सकते हैं कि यहाँ के व्यवस्थापक को भी कह सकते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का हम यथासंभव प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद जी के चरण कमलों में हम अपना मस्तक नवाते हैं, झुकाते हैं और उनको लाख लाख बधाई देते हैं। जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, हमारे लिए वो बृहद हस्त लेकर तैयार रहें ताकि आने वाले जो हम लोग भूले भटकते लोग हैं और भटकते जा रहे हैं वो ठीक रास्ते पर आकर के नवनिर्माण समाज का करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।